जय श्री राम प्यारे भक्तों, कल 9 जून गंगा दशहरा को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ये शब्द बोल दें, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं होगा। असंभव कार्य भी तुरंत संभव होगा। क्यों? क्योंकि कल बहुत बड़ा शुभ योग बन रहा है। कल के दिन यानी गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और माँ गंगा हस्त नक्षत्र में अवतरित हुई थी, और कल वो हस्त नक्षत्र है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। कल यानी कि जो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होंगी। देखो प्यारे भक्तों, हम अपने इतने वीडियो में बता चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना विशेष महत्व है। यहाँ तक कि माँ गंगा भी ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो अब आप हिसाब लगा लो कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कार्य सफल होता है। तो आप भी कल, आपका कोई भी रुका हुआ कितना ही बड़ा कार्य है, अगर चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए तो कल आपको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना है। और उठ करके 4:26 पर आपको संकल्प लेना है, जो भी आपका कार्य रुका हुआ है उसके लिए। और वो संकल्प लेकर के माँ गंगा को मन से याद करना है, उनका मंत्र जप करना है। हर हर गंगे उनका मंत्र है, और या फिर सीधे मन से माँ को प्रणाम करके उनको याद कर लीजिए तो भी आपकी विश जरूर जरूर पूरी होगी। और कल के दिन आप जब नहाएं तो नहाते समय थोड़ा सा, अगर आप गंगा में नहीं जा सकते तो घर पर ही थोड़ा सा पानी में, जल में, गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और नहाते समय भी माँ गंगा के मंत्र हर हर गंगे का जप करें। वो बहुत ही सरल मंत्र है। मंत्र तो बहुत से हैं लेकिन ये मंत्र सबसे सरल है। आप इसी का जप कर लें, क्योंकि भाव की भूखी है माँ, तो भाव से उन्हें याद करेंगे तो असंभव कार्य भी कल संभव होगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा कार्य हो, आप ऐसा कल जरूर जरूर करें। आपको अनंत गुणा फल मिलेगा, सारे पाप नष्ट होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम प्यारे भक्त।